आज दिनांक 3 दिसंबर 2022 को सुबह 10:30 बजे से अपरहार 4 बजे तक नगर भवन मोतिहारी में दिव्यांग जन अधिकार सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस समारोह का आयोजन किया गया। आज के दिव्यांग जन अधिकार सम्मेलन में पूर्वी चंपारण जिला सहित पूरे राज्य के हजारों दिव्यांग जन ने भाग लिया। याद हो कि 3 दिसंबर 2022 अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस विश्व में दिव्यांग जनों को जागरूक करने हेतु मनाया जाता है। इस अवसर पर पूरे बिहार के दिव्यांग जन अपना दिवस मनाएंगे। इस अवसर पर दिव्यांग जन अधिकार सम्मेलन जन जागरूकता कार्यक्रम से सत्याग्रह सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 एवं सरकार द्वारा दिव्यांग जनों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। आज के दिव्यांग जन अधिकार सम्मेलन में पूर्वी चंपारण जिला से हजारों दिव्यांग जन ने भाग लिया। आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता बिहार दिव्यांग संघ के राज्य अध्यक्ष श्री मुकेश कुमार महतो जी तथा मानव अधिकार सामाजिक कार्यकर्ता अजहर हुसैन अंसारी जी ने किया तथा महिला प्रकोष्ठ दिव्यांग अध्यक्ष माधुरी कुमारी जी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मुख्य अतिथि श्री उदय जायसवाल, संयोजक चित्रंजन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार महतो, डॉक्टर गौरव विश्व भारती, साथ ही कुंदन कुमार, ज्योतिष राजनाथ पुरी, दिलीप सिंह, सुबोध कुमार सिंह, संतोष कुमार, सत्य नारायण, प्रोफेसर गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष राविपा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर सम्मेलन के कार्यक्रम को प्रारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथियों का माला पहनाकर सभी जिला स्तर, सब डिवीजन स्तर, प्रखंड स्तर एवं वार्ड स्तर के डीजीपी, अध्यक्ष, सचिव, मीडिया प्रभारी, सदस्यगण एवं दिव्यांग जन हजारों की संख्या में उपस्थित थे। सभी दिव्यांग जनों ने कहा कि हमें समान अवसर दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 का धरातल पर लागू रोजगार, शिक्षा, स्वरोजगार के लिए योगदान, नौकरी, 5% आरक्षण, समाज परिवार में सम्मान पूर्वक जीवन मिले। आज 3 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन जागरूकता दिवस के अवसर पर पूरे बिहार में रहने वाले 51 लाख दिव्यांग जन अधिकार सम्मेलन के द्वारा दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुपालन धरातल स्तर पर करने हेतु पूरे बिहार के लगभग 11 लाख से दिव्यांग जन अभिभावक गण एवं समाज सेवियों द्वारा 8000 से ज्यादा पंचायत, 534 प्रखंड, 101 अनुमंडल एवं 38 जिलों में सरकार के सक्षम 7 सूत्रीय मांगों को सौंपा गया है, जो निम्न प्रकार है। पहला, राज्य के दिव्यांगों का पेंशन 3000 प्रति माह किया जाए। दूसरा, राज्य दिव्यांग आयोग का गठन हो तथा अन्य आयोग की भांति दिव्यांग आयोग में दिव्यांग जनों की भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। तीसरा, पंचायती राज नगर निकायों से लेकर विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन में दिव्यांगों का 5% आरक्षण दिया जाए एवं दिव्यांगों को चुनाव लड़ने हेतु सीट सुरक्षित किया जाए। चौथा, राज्याधीन सभी विभागों, निगमों, समितियों एवं उपक्रमों में सृजित पदों पर हुई नियुक्तियों नियोजन में दिव्यांगों को प्रदत्त आरक्षण क्रमशः 3% एवं 4% के अनुसार उनके भागीदारी का विभागवार एवं पदवार समीक्षा कराया जाए तथा बैकलॉग भर्ती प्रारंभ किया जाए। पांचवा, दिव्यांग कोटे में नियुक्त नियोजित पदाधिकारियों, कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं दिव्यांगता का भौतिक सत्यापन कराया जाए। छठा, दिव्यांगों को स्वरोजगार हेतु बिना गारंटर के सभी प्रकार का ऋण मुहैया कराया जाए। सातवां, मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना से कोर्ट निबंधन कार्यालय द्वारा विवाह निबंधन प्रमाण पत्र की मांग को शिथिल कर मुखिया, वार्ड पार्षद द्वारा निर्गत विवाह निबंधन प्रमाण पत्र को मान्यता दी जाए। आज के कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर बी सिंह एवं धन्यवाद ज्ञापन चित्रंजन सिंह द्वारा किया गया। साथ ही संघ के पूर्वी चंपारण जिला इकाई के वॉलेंटियर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन भारत। आज हम पूर्वी चंपारण मोतिहारी नगर भवन में आज विकलांग दिव्यांग विश्व दिवस के अवसर पर हमारे सहुज राष्ट्रीय विकलांग पार्टी बिहार दिव्यांग संघ के सहुज में आज सम्मेलन हुआ है, अधिकार सम्मेलन। इसी संबंध में आइए राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सत्यनारायण गुप्ता जी से कुछ खास बातचीत। यह अधिकार जो आंदोलन मनाया गया है, इसमें आप लोग विशेष क्या मांगी? विशेष मांग हम लोगों का है कि जो ये लंबित मांग आ रहा है, आज से नहीं कुछ दिन से, हम लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी हम लोग जो है जैसे होगा तैसे उनसे हम लोग जो है अपना मांग को मंगवाएंगे। इसके लिए हम लोगों को जो संघर्ष करना हो, उसको जेल भेजना हो, सरकार को भेजे, लेकिन हमारी मांग को जो है पूरा करे। अगर ये पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग अपने आवाज को बंद नहीं करेंगे, अपने सांस को नहीं हम लोग रोक सकते हैं। इसको लिए जो भी
करना होगा करेंगे हम लोग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे अभी हमारे बड़ी प्रदेश के अधिकारी गण हैं, जिनका कहना है कि यदि हमारी मांग को सरकार नहीं सुनती है तो हम आगे भी आंदोलन करेंगे, और हम भी चाहेंगे अपने चैनल का माध्यम से सरकार इस पर संज्ञान ले और जो भी दिव्यांगजनों की समस्या है वो जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। आप देख रहे हैं R9 भारत, मैं राजनाथ पुरी, नमस्कार। R9 भारत के लिए रिपोर्ट, मोतिहारी से राजनाथ पुरी।